सब्सक्राइब करें News89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद। आज राजपुरा की नई अनाज मंडी में आरती रजिंदर निरंकारी अशोक कुमार हैप्पी फकीर चंद बंसल की सांझी अगुवाई में एक विशाल बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य मेहमान के तौर पर हल्का राजपुरा के विधायक सरदार हरदयाल सिंह कंबोज, ब्लॉक कांग्रेस प्रधान श्री नरेंद्र शास्त्री ने विशेष तौर पर शिरकत की। आपको यहां बताना बहुत ही जरूरी है कि राजपुरा की अनाज मंडी में कुछ ही दिनों में आरती एसोसिएशन का चुनाव होना है, जिसमें कई नए उम्मीदवारों सहित पुराने प्रधानों के भी चुनाव लड़ने की पूरी संभावना है। अभी हम संभावना इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मंडी में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की पुष्टि अभी नहीं हो पाई। चुनाव लड़ने वालों में एक नया नाम हैप्पी निरंकारी का भी सामने आ रहा है और आज जो बैठक रखी गई थी वो भी हैप्पी निरंकारी की दुकान के बाहर ही रखी गई थी। इस बैठक को भी कहीं ना कहीं इन चुनावों के साथ मिलाकर देखा जा रहा है, मगर सरदार हरदयाल सिंह कंबोज ने उक्त बैठक को चुनावों से दूर रखते हुए पत्रकारों को कहा कि मुझे अशोक कुमार निरंकारी जी ने अपनी दुकान पर आने का निमंत्रण दिया था। उन्होंने चुनावों के बारे में बोलते हुए कहा कि सभी आरती भाई अपना प्रधान अपने आप चुनेंगे, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। हाँ, अगर कोई सर्वसम्मति बनती है तो यह मेरे पास किसी भी समय आ सकते हैं, मैं इसमें इनकी मदद जरूर कर सकता हूँ, मगर चुनावों में हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। समान मैंनू मिले सी कि साडा जिहड़ा सब्जी मंडी का जिहड़ा उपर शैड है बहुत छोटा हैगा, सानू प्रॉब्लम है, वो मैं चीफ जनरल पंजाब मंडी बोर्ड उन्हां तों जिहड़ा अप्रूव कराता उहदा लई वड्डा जिहड़ा है उस पूरे सीवेज की जिहड़ी प्रॉब्लम सी, पीण वाले पानी की प्रॉब्लम सी, वो मैं सारियां करवातियां ने। इह तों इलावा पूरी अनाज मंडी दे 4 करोड़ रुपए के काम जिहड़ी असी शुरुआत कराते जिसे पैसे भरे चल गए तो इसी महीने के एंड चो शुरू कराने से चल रहे हैं तो बहुत वधिया बनावांगे। जिते तक मंडी का भी काम कोई भी पक्ष नहीं छड़ांगे, शहर के लिए भी हुण 10-12 करोड़ रुपए के काम असी जिहड़े हैगे ओह शुरू करन चले हैं। इदां ही पिंडां दे विच भी 4 पुलां का निर्माण, सड़कां दे निर्माण काफ़ी बनूड़ शहर के लिए भी और काफ़ी हैगा, पूरे इलाके के अंदर इसी महीने के एंड च घट तो घट 40 करोड़ रुपए के जोड़े काम 40 तो लैके 50 करोड़ रुपए जोड़े काम वो शुरू होने हैं। तो ये मैं बेनती की है महाराणी परनीत कौर जी ने को टाइम देन तो असं सारे कामों की जी शुरुआत करेंगे। तो कंबोज साहब ये मंडी के चुनाव है कितने ना कि जो 3 उम्मीदवार का नाम आ रहे कितने ना कि कांग्रेस पार्टी के संबंध रखते हैं तो इसी च देखो मैं मैं सारे मिले सके तो सारे मिले हैं। मैं उन्होंने एक गल कही है कि तुम बैठ के आपसी सहमति के नाल जोड़ा भी फैसला लो, तो इस करके मैं अज भी यही गल कह के चलिया कि कोई भी जी धड़ेबंदियां ना रखो, अपने इस शहर में अगे लैके जाना, छोटिया गलों च नहीं पैना तो व्डे जड़े है फैसले इस शहर की खातर लगे। सर्वसम्मति कराने तुहाडा कोई योगदान? हाँ, जे मेरे को आके कहे सारे तो मैं बिल्कुल मैं तो यही हूँ भी अज भी मैं तिना मेरे को 2-3 जने मिले पहले शहर में यही कहा कि तुम भाई सर बैठ के फैसला करो सम्मति करो। इलेक्शन आ गया मंडी के, मंडी की प्रधानगी खड़ा होने करके आप कंबोज साहब का आशीर्वाद लेना सीगा उन्होंने आप मुद्दा वीर जी मंडी के कई है। एक तो साड़ी पहले अनाज मंडी के डिस्पेंसरी सी, वो डिस्पेंसरी बंद हो गई है, होर कई मसले हैं, पेमेंटा के मसले हैं, मंडी के बुरा हाल है, सड़कां सुड़कां पेमेंटा है, परचेज है, बहुत मुद्दे हैं। वीर जी हक सबनों है, मैं सानू तो अपना पता अपनी टीम का भी असं इलैक्शन लड़ रहे हैं, क्यों आप पहले भी कम कर प्रधान जी रजिंदर जी उन्होंने आशीर्वाद सदका आप इलैक्शन की कंपेनिंग कर लगे हैं, खड़े हुए हैं, टीम सारी है अपनी, दविंदर जी हैं सारे पाई हैं, सर्वसम्मति होंगी है। कंबोज साहब सानू जिथे कहे असं वो करने तैयार हैं, असं उन्होंने एक इंच भी बार नहीं। मगर हमारे सूत्रों के अनुसार जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसमें इस बार मंडी के चुनावों में काफी घमासान देखने को मिल सकता है, क्योंकि इन चुनावों में नए चेहरों के साथ साथ पूर्व प्रधान ललित डैरा, मौजूदा प्रधान हरदीप सिंह लाडा, हैप्पी निरंकारी, ब्लॉक समिति सदस्य सरदार रुपिंदर सिंह रूपी के भी चुनाव लड़ने की पूरी संभावना है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में आरती एसोसिएशन प्रधान पद का ताज किसके सिर पे सजता है। राजपुरा से कैमरामैन ललित कुमार के साथ मीडिया पर्सन संदीप चौधरी, News89। सब्सक्राइब करें News89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद।